रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन था। प्रांत प्रचारक की बैठक के आखिरी दिन कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में चल रही आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के अंतिम दिन सेवा, संपर्क व बौद्धिक कार्य विभाग सहित कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। संघ एवं समविचारी संगठनों की ओर से अभी पूरे देश में 1,35,000 से अधिक सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने बताया कि संघ के दृष्टिकोण से पूरे देश भर में 46 प्रांत हैं। देश के युवा शक्ति काफी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। संघ ने वर्ष 2012 में ज्वाइन आरएसएस के तहत ऑनलाइन माध्यम प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से प्रतिवर्ष 1 से 1.25 लाख लोग संघ के साथ विविध गतिविधियों में जुड़ रहे हैं। इस वर्ष भी जून के अंत तक 66,529 लोगों ने संपर्क कर संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। चल रहा है ऐसे ही शहरों में जो बस्तियां हैं उसमें 23,649 इतनी बस्तियां हैं। अभी लगभग जहां कार्य है अपना ऐसी 14,645 बस्तियां हैं। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। तो ये हम लोगों का लगातार चल रहा है और इस वर्ष कुछ विशेष अभियान भी है। जैसे कि मार्च में ही हम लोगों ने बताया था कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी, इनकी 3 शताब्दी चल रही है। तो अहिल्या देवी के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के बारे में हम जानते हैं कि वो उस समय में, मतलब आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व, वो समाज से एक ऐसे वर्ग से आई जिसको हम पिछड़ा कह सकते हैं। उसके आने के बाद भी एक राजा रानी और राजा के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और सामाजिक दृष्टि से विधवा होने के बाद उन्होंने ये स्थान को संभाला और समाज ने उनको स्वीकारा और उन्हें अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श राज्यकर्ता और धार्मिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए, न्यायप्रिय उनका जीवन था। आधुनिक दृष्टि से व्यवसाय के कई सारे कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया और जितने भी तीर्थस्थल है अपने जिनमें कहीं ना कहीं कोई हानि पहुंची थी उनको पुनर्स्थापित करने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। जिनके बनाए हुए घाट काशी में हो या जगह जगह हम लोग उनके या सोमनाथ में हो हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के संदर्भ में उनका जो जीवन संदेश देश भर पहुंचाने का एक कार्य होगा। स्वयंसेवक समाज के विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्य करेंगे। गत 31 मई को इसका शुभारंभ हुआ है और इसके लिए जो समिति बनी है उसमें भी बहुत सारे समाज के प्रबुद्ध लोग, महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो हम सभी लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग मिलकर, सभी संस्थाएं समाज के सभी लोग मिलकर उनके जो विशेष कार्य है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी का उसको मनाएं। साथ ही अभी संघ का जो ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है गौ सेवा और ग्राम विकास, तो लगातार ये कई वर्षों से काम चल रहा है। इस दृष्टि से कई क्षेत्रों में गोविंद सेवा का काम प्रारंभ हुआ अच्छा, कई जगह ग्राम विकास का हुआ। अब ये दोनों कार्यों को मिलाकर विशेष योजनाएं हम लोग बना रहे हैं ताकि सभी जगह ये दोनों काम अच्छे से चले और एक ग्रामीण क्षेत्र में इन सारे व्यवसायों को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और एक गांव की स्थितियां भी अच्छी हो। इस दृष्टि से एक लगातार प्रयास संघ के स्वयंसेवक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो भी कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र के भी स्वयंसेवक समाज के विभिन्न लोगों को साथ में लेकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विशेषकर युवाओं के लिए एक आह्वान भी किया गया है कि 24 घंटे आप गांव में चलो और ये सारे जो कार्य चल रहे हैं इसको देखो, तो काफी अच्छा प्रतिसाद हम लोगों को मिल रहा है। आने वाले समय में इसको और व्यापक रूप से हम समाज के सामने ले जाएंगे। सेवा के कार्य संघ के स्वयंसेवक लगातार करते हैं, हमारे प्रशिक्षण में भी वो रहता है और विभिन्न संस्थाएं जैसे सेवा भारती या और भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये स्वयंसेवक ये कार्यों को करते रहते हैं।
इस दृष्टि अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से, और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन RSS। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन RSS में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार है। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें, लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी तक अभी जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है, इसमें इस वर्ष